नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल की गोगड़ीपुर नहर की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि आज सुबह से एक व्यक्ति की तलाश जो है वो नहर पर की जा रही थी। परवीन उनका नाम है, परवीन सिक्का, जो राधा स्वामी सत्संग भवन के सेवादार थे और बाइक खड़ी कर नहर के पास वो पहुँचते हैं। पैदल चलकर बताया जा रहा है वो यहाँ तक आए थे और अचानक से वो लापता हो जाते हैं। करनाल की काछुआ रोड पर पश्चिमी यमुना नहर पर वो दिखाई देते हैं कि वो बिल्कुल जो है काछुआ रोड पर अपनी बाइक खड़ी कर नहर से 100 मीटर की दूरी पर बाइक खड़ी करते हैं। वहां से पैदल जो है वो नहर की तरफ आते हैं। परिवार को पूरा शक जो है वो हो गया था कि कहीं कोई अनहोनी जो है उनके साथ ना हुई हो, जिसके बाद उन्होंने गोताखोर को जानकारी दी। गोताखोर की टीमें मौके पर पहुंचती हैं, प्रगट सिंह मौके पर पहुंचते हैं और फिलहाल जो है ढूंढा ही जा रहा था, तलाश जारी थी, नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था कि तभी करनाल के गोगड़ीपुर के नज़दीक जो है वो परवीन सिक्का उनकी बॉडी जो है वो बरामद होती है। लगभग 54 साल के आसपास की उनकी उम्र है और परिवार का कहना है कि कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि उन्होंने इस तरीके का कदम क्यों उठाया, क्या कारण था, फिलहाल इस बात के लिए जो है जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से कार्रवाई जो है वो जरूर की जाएगी। लगातार जो है बॉडी को ढूंढा जा रहा था और बॉडी जो है वो करनाल के घोड़ीपुर के नजदीक मिल जाती है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जा रहा है। अपने पुल वाइज किलोमीटर के हिसाब से पुलों के ऊपर आप जरूर खड़ी करें, क्योंकि 12 अगर वहां खड़ी रहेगी तो आने वाले भी घबराएंगे। उसके बाद डायल 112 के पास एक अधिकार रहेगा कि नहाने वाले बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को वहाँ से वो भगाने का अगर काम करेंगे तो आने वाले गर्मी में हादसों में काफ़ी कमी महसूस होगी।